खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद की है, जहां थाना नगला खंगर के गांव नगला गुलाल निवासी युवक असव थाना जसराना क्षेत्र के बम्बे में मिलने से हड़कंप मच गया। रक्षाबंधन के मौके पर नगला गुलाल निवासी विपन पुत्र रामपाल सिंह थाना जसराना के गांव सलीमपुर में शैलेंद्र के यहां अपनी बहन किरण से राखी बंधवाने सोमवार को आया था। राखी बंधवाने के बाद लौटते समय गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर उसकी बाइक सराय मटियारी निवासी नेत्रपाल से भिड़ गई। बाइकों की भिड़ंत के बाद पहुंची पुलिस को विपन नहीं मिला। वहीं देर साय तक घर नहीं पहुंचने एवं मोबाइल ऑफ मिलने पर परिजनों ने रात भर तलाश करने के बाद सुबह थाने में सूचना दी। सूचना मिलने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर परिजनों ने स्वयं ही तलाश जारी रखी। मंगलवार की दोपहर युवक का शव सेवापुर के सामने बम्बे में मिल गया। युवक का शव मिलने पर जहां परिवार में कोहराम मच गया, वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो लोगों ने हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंचे सीओ अजय सिंह ने सिरसागंज विधायक हरिओम यादव के साथ लोगों को कार्रवाई करने का भरोसा दिया। भरोसा मिलने पर लोग शांत हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जसराना से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। सही कार्रवाई नहीं करते, न्यायिक कार्रवाई तो सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो ऐसी हत्याएं और बढ़ेंगे, अपराध यूँ तो बढ़ रहे हैं। इस सरकार में कोई दिन जाता है जिस दिन अपराधन हो रहे हैं, हत्याएं नहीं हो रही हूँ। जब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, सही मुलजिम जेल नहीं जाएंगे कि अपराधियों को बचाया जाएगा तो अपराध बढ़ेगा। अपराधी जेल जाएंगे तो कभी अपराध नहीं बढ़ेगा। अपराधियों को सत्ता का अगर संरक्षण मिलेगा, सत्ता के संरक्षण में अपराध बढ़ रहा है। ये अपराध हो रहे हैं सत्ता के संरक्षण में हो रहे हैं। मैं इस बेचारे से क्या दुश्मनी थी, गरीब परिवार का लड़का था, यहाँ से 30-35 किलोमीटर गांव, यहाँ कोई रंजिश भी नहीं उसकी, क्यों मार दिया उसको? यहाँ कल राखी बंधवाने आए, यहाँ आके उसकी शाम को बम्बा की पटरी से फिर उसका पता नहीं लगा, मोटरसाइकिल उसकी यहाँ पड़ी मिली और उसके बाद जब खोजबीन की गई तो मोटरसाइकिल पूर्व प्रधान सेवापुर के यहाँ सुबह खड़ी मिल गई। लड़के को तलाशा गया, कहीं पता नहीं लगा, तो जब गांव के लोगों ने जानकारी पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने कोई इसमें तत्परता नहीं दिखाई और उसकी डेड बॉडी अभी लगभग 1-1.5 बजे करीब यहां मिली। जब हम लोगों ने देखा तो उसकी शरीर पर बहुत मार के मार पीट कर हत्या कर दी गई, उसकी गंभीर चोटें उसकी। लेकिन इस प्रकरण को जसराना पुलिस दबाना चाहती है, लेकिन हम दबने नहीं देंगे। हत्या हुई है, हत्या जिन लोगों ने की है उनको सजा मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की। अगर ये न्याय नहीं मिलेगा तो अगर हमको सड़कों पर उतना था स्तंभ है तो आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि इसका आप खुद जाएं, उसकी डेड बॉडी देखिए, उस शरीर पर कितनी चोटें, और आप भी अपने कैमरे में उसकी डेड बॉडी देखिए और फिर पुलिस की कार्रवाई देखिए। सर पहले भी पुलिस को उन्होंने सूचना दी थी? हाँ, रात को ही दी पुलिस को सूचना, गायब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुबह भी सूचना दी है तब भी कोई कार्रवाई नहीं की। यदि पुलिस कार्रवाई करती तो अब उसकी जान बच सकती थी। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो रात सूच हो सकता है, तो रात में न मरा हो, अधमरा हो तो उसे हॉस्पिटल ले जाते, उसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन रात को मार के उसको पानी में डाल दिया गया अधमरा करके, तो मर गया पुलिस की लापरवाही से।